Hello everyone, welcome to the Education Orbit Counseling and Link. My name is Priyanshi Singh Chandel. आज हम आपको बताएंगे अगर आप जॉर्जिया में एडमिशन लेने वाले हैं या अगर आप अपने सपने को सच करने वाले हैं तो जॉर्जिया का किस तरह का वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है, कैसा वेदर है, वहाँ की फूडिंग कैसी है, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, आज हम आपको इस बारे में बताएंगे MBBS के रिगार्डिंग. अगर आप भी जॉर्जिया से MBBS करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है. हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप जॉर्जिया से MBBS करेंगे तो जॉर्जिया एक यूरोपियन कंट्री है जिसमें से आपको 27 कंट्रीज का एक्सेस मिल जाता है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जॉर्जिया में किन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है. जैसे तिब्लिसी मेडिकल एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी. यहाँ का फी स्ट्रक्चर $7,000 अप्रॉक्सीमेट इंडियन रुपी 2,45,000 अप्रॉक्सीमेट है. और इसकी बेस्ट चीज़ है कि ये तिब्लिसी जॉर्जिया की कैपिटल भी है. सेकेंड वन इज़ कुटेसी मेडिकल यूनिवर्सिटी. इसका फी स्ट्रक्चर $4,000 है. इस्टेब्लिश ये 1992 में हुई थी. कैपिटल डिस्टेंस 3 आवर अप्रॉक्सीमेट है. ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है. यहाँ से प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है. और एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि जॉर्जिया में इंग्लिश मीडियम पे ही पढ़ाई होती है. अगर आप इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है तो आप वहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ कॉकस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. इसके अप्रॉक्सीमेट $6,000. इस्टेब्लिश ये 2012 में हुई थी और इसका कैपिटल डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 9 किलोमीटर्स है. ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है. यहाँ पे भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है. फोर्थ वन इज़ इलिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. इसका फीस स्ट्रक्चर $5,300 और कैपिटल डिस्टेंस इसका 10 किलोमीटर अप्रॉक्स, ये मानिए 27 मिनट अप्रॉक्स में आप पहुँच जाएंगे. तो ये थी जॉर्जिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप एडमिशन करा सकते हैं और जहाँ पे आप अपने ब्राइट फ्यूचर को देख सकते हैं. कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जैसे अगर वो जॉर्जिया में जाएंगे, जैसे वो सारे एग्जाम्स तो पास कर लेते हैं, वो इंडिया से या किसी भी कंट्री से जॉर्जिया पहुंच जाते हैं लेकिन एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. तो ये एक बच्चों के लिए बेनिफिट, जो जॉर्जिया में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, हालांकि एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, मॉक टॉक इंटरव्यू होता है, तो वो हम आपको बताएंगे कैसे होते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसमें. इसके साथ ही बहुत से पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि अगर वो अदर कंट्री में चले गए तो उनको उनका वेकेशन कैसा होगा, उनको कितनी छुट्टियां मिलेंगी. तो वेकेशन का सेम प्रोसेस होता है, समर में अप्रोक्सीमेट टू मंथ्स अप्रोक्स उनका वेकेशन होता है और विंटर्स में 15 डेज अप्रोक्स वेकेशन मिलता है. तो सेम कंट्री का वेकेशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे इंडिया में मिलता है वैसे ही आपको अब्रॉड में भी मिलेगा, वैसे ही आपको जॉर्जिया में भी मिलेगा. बहुत से बच्चे पूछते हैं कि जॉर्जिया में कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता है, तो ये मैं डाउट आपका ख़त्म करना चाहती हूँ कि जॉर्जिया में क्रिश्चियन रिलीजन माना जाता है वहाँ पे क्रिश्चियन, लेकिन 70% आपको क्रिश्चियन लोग मिलेंगे. बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप इंडिया से जा रहे हैं या अदर कोई रिलीजन है तो वहाँ पे कंपेयरिंग किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है अदर कंट्री के अकॉर्डिंग. जॉर्जिया की खास बात यह है कि वहाँ पे बहुत सेफ और चीप MBBS हो जाता है. जैसे चीप के मामले में अगर बताएं कि फीस बहुत अफोर्डेबल होती है, बच्चे आराम से पे कर लेते हैं. अगर कंपेरिजन टू इंडिया, प्राइवेट सेक्टर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयरली इंडिया, वहाँ पे बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेटर पैकेज मिलते हैं और साथ ही आपको एक यूरोपियन कंट्री घूमने को मिलती है. वहाँ पे आपको 27 देशों का एक्सेस जाता है. तो जो आपको बता दें कि जॉर्जिया में अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ की नीड पड़ेगी, तो नीट क्वालिफाई आपका होना चाहिए. बहुत ज़्यादा अगर आप इंडिया में नीट क्वालिफाई करके देखते जाते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छे मार्क्स मांगते हैं, 650 अराउंड होता है. बट अगर आप जॉर्जिया में जाएंगे या अदर किसी कंट्री या जॉर्जिया में आप जाएंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट 100 मार्क्स में आपका एडमिशन हो जाता है. आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, पासिंग मार्क्स अप्रॉक्स होने चाहिए. इसकी एक और खास बात यह है कि ये MCI और WHO अप्रूव्ड है.
आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप जॉर्जिया से MBBS कर रहे हैं तो आपको इंडिया वापस आके या किसी भी अदर कंट्री में जाके आप MD करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही बहुत से बच्चे पूछते हैं या बहुत से बच्चों के पेरेंट्स पूछते हैं कि अगर वो जॉर्जिया में जा रहे हैं तो उनकी फूडिंग कैसे होगी। फूडिंग के मामले में हमको बता दें कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, आपको इंडियन फूड मिलता है आराम से और आप आराम से वहाँ पे हॉस्टल भी आपको मिलते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर जैसे यहाँ का होता है अप्रोक्सीमेट वहाँ पे होता है, बट वहाँ पे समर में गर्मी कम पड़ती है, बस इतना होता है। अदरवाइज वहाँ का वेदर नॉर्मल ही रहता है अदर कंट्री के अकॉर्डिंग। अदर कंट्री में बहुत कूल होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे आपको जो वेदर होता है अप्रोक्सीमेट आपका ये मानिए 20 degrees अप्रोक्स होता है, तो ये बच्चों के लिए सुटेबल होता है। If you want to choose MBBS in Georgia, you can contact me anytime. साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस भी है, आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं।